अपने डांस और अपनी अदाकारी से मिथुन ने हिंदी सिनेमा में अपना बहुत शानदार मुकाम बनाया है। अपने फिल्मी करियर में मिथुन ने 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। एक गरीब घर में पैदा हुए मिथुन आज बिलेनियर हैं। न केवल फिल्मों बल्कि रियलिटी शोज में जज की भूमिका में भी मिथुन ने अपने अंदाज से अपने चाहने वालों का दिल जीत लिया। लेकिन जब मिथुन की निजी जिंदगी की तरफ नज़र जाती है तो ऐसा लगता है कि मिथुन की खुद की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। मिथुन ने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की थी और अपने 4 बच्चों के साथ मिथुन अपने पारिवारिक जीवन में भी एक बेहद सफल इंसान है। लेकिन कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि योगिता बाली से पहले मिथुन ने हेलेना ल्यूक नाम की एक महिला से शादी की थी, मगर महज 4 महीने बाद ही मिथुन की पहली शादी का दर्दनाक अंत हो गया। तो चलिए साथियों, आज आपको मिथुन की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। मिथुन और हेलेना की ये कहानी यकीनन आपको पसंद आएगी। हेलेना कब और कहां पैदा हुई, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई। लेकिन इतना ज़रूर पता चल पाया कि इनके पिता टर्किश मूल के थे और इनकी माता एक एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन थी। 70 का दशक वो दौर था जब हेलेना बॉलीवुड में काफ़ी लोकप्रिय थी। हालांकि उस वक्त हेलेना कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक फैशन डिज़ाइनर थी। उस ज़माने में भारत में फैशन वर्ल्ड का एक जाना पहचाना नाम थी हेलेना ल्यूक। मिथुन उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे और उस ज़माने की एक और खूबसूरत एक्ट्रेस सारिका संग उनका अफेयर चल रहा था। हालांकि कुछ समय बाद सारिका, जो अब कमल हसन की वाइफ हैं, उन्होंने मिथुन को छोड़ दिया था। सारिका से अलग होने के बाद मिथुन को अकेलेपन ने घेर लिया था। ऐसे में एक दिन मिथुन की मुलाकात हेलेना ल्यूक से हुई। पहली ही मुलाकात में मिथुन हेलेना की खूबसूरती पर फिदा हो गए। मिथुन हेलेना को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे थे कि वो हर वक्त हेलेना को खुद से शादी करने के लिए कहते रहते थे। एक इंटरव्यू में हेलेना ने बताया था कि उन दिनों मिथुन रोज उनसे मिलते थे और सारा दिन शादी की बात करते रहते थे। मिथुन और हेलेना की मुलाकात का सिलसिला जारी था और आखिरकार हेलेना भी मिथुन को अपना दिल दे बैठी। हेलेना मात्र 21 साल की थी जब उन्होंने साल 1989 में मिथुन से चुपचाप शादी कर ली। इस शादी की किसी को खबर तक नहीं लगी थी। शादी के बाद हेलेना और मिथुन साथ रहने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हेलेना और मिथुन के बीच गलत फहमियाँ भी पैदा होने लगी थी। हेलेना ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन जिस घर में रहते थे वहाँ मिथुन के साथ उनके 2 कजिन भी रहा करते थे। मिथुन के कजिन्स ने 2 कुत्ते भी पाले हुए थे। मिथुन के कजिन्स कोई काम नहीं करते थे और मिथुन के पैसे पर ऐश कर रहे थे। हेलेना को ये बात पसंद नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने मिथुन से कहा कि वो अपने कजिन्स को यहाँ से जाने के लिए बोले, लेकिन मिथुन ने इसके जवाब में हेलेना से ऐसी बात कही कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिथुन ने हेलेना से कहा कि उनके कजिन्स कहीं नहीं जाएंगे, अगर हेलेना को दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकती है। हेलेना को मिथुन की ये बात बहुत बुरी लगी। उस दिन के बाद से ही मिथुन और हेलेना के बीच दूरियाँ आनी शुरू हो गई थी। मिथुन के साथ रिलेशन में आने से पहले हेलेना उसी दौर के एक और एक्टर जावेद खान के साथ रिलेशन में थी। बकौल हेलेना, मिथुन से शादी करने के बाद उन्होंने जावेद खान से अपना हर रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन मिथुन फिर भी जावेद खान को लेकर उन्हें ताने देते थे और आरोप लगाते थे कि हेलेना बाद में भी जावेद से मिलती थी। उस इंटरव्यू में हेलेना ने यह भी कहा था कि वो एक ऐसे घर से थी जहां उन्हें सब कुछ मिला था, लेकिन मिथुन से शादी करके उन्हें कुछ नहीं मिला। मिथुन एक ऐसे इंसान हैं जो केवल खुद से प्यार करते हैं, वो औरतों का ज़रा भी सम्मान नहीं करते हैं। हेलेना से तलाक के बाद मिथुन ने योगिता बाली से शादी कर ली थी। हेलेना ने यह भी बताया था कि जब मीडिया में मिथुन और योगिता बाली के अफेयर की खबरें छपने लगी थी तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो मिथुन के साथ नहीं रहेंगी और आखिरकार उन्होंने मिथुन से तलाक ले ही लिया। मिथुन से तलाक लेकर हेलेना ने भी एक्टिंग में करियर बनाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई।
कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल के बाद हेलेना का फिल्मी करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। मिथुन से जब हेलेना से शादी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भी इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने माना था कि हेलेना के साथ उन्होंने शादी की थी, लेकिन हेलेना संग उनका रिश्ता ज़्यादा चल नहीं पाया। दूसरी तरफ हेलेना का फिल्मी करियर जब ख़त्म हो गया तो वो भारत छोड़कर अमेरिका चली गई और अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस में बहैसियत फ्लाइट अटेंडेंट काम करने लगी। अमेरिका में ही एक दफ़ा जब किसी ने हेलेना से पूछा था कि मिथुन से तलाक के बाद उन्हें कितने रुपए मिले थे, तो उन्होंने बताया कि मिथुन ने उन्हें एक कौड़ी भी नहीं दी थी। वो चुपचाप मिथुन से अलग हो गई थी क्योंकि वो एक अच्छे खानदान से थी। हेलेना ने यह भी बताया था कि एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने गुजराती भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी सीखी थी और गुजराती थिएटर से वो लगभग 7 सालों तक जुड़ी रही थी। वो गुजराती फिल्मों में भी काम करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी भी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से कोई अच्छा रोल ऑफर नहीं हुआ। हेलेना के बारे में ये भी कहा जाता है कि मिथुन से अलग होने के बाद वो एक बार फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड जावेद खान के साथ रिलेशन में आ गई थी। हेलेना और जावेद खान कॉलेज के दिनों से ही अच्छे दोस्त थे और कॉलेज में ही उन दोनों का पहले रिलेशन शुरू हुआ था। ये जावेद खान ही थे जिन्होंने हेलेना को मिथुन से मिलाया था। हेलेना की एक बहन भी हैं जिनका नाम लेवाना वाधवा है और वो भी अमेरिका में ही रहती हैं।